हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। मैं हूं कांता, जो आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आई हूं, और जो है हमारी बेस्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं चार्टर कानून 1813। पहले हमने पढ़ा था चार्टर कानून 1793, जिसमें हमने ये जाना था कि कैसे ब्रिटिश जो है कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे 20 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे उनके क्या होते हैं, 20 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जिससे उनसे क्या है, वो चार्टर कानून का जो अधिकार है वो उनसे, यहाँ पे चार्टर कानून में जो उनका अधिकार था एकाधिकार व्यापार करने का, वो वापस ले लिया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि आगे जो भारत में जो बाकी व्यापारी थे, ब्रिटिश के जो बाकी व्यापारी थे, उनको भी क्या किया जाता है, ये खोल दिया जाता है व्यापार करने के लिए, उनके लिए खोल दिया जाता है, ताकि वो यहाँ पर आके चाय के व्यापार जो पहले कर रहे थे वो कर सके, और उसके साथ के साथ वो जो चीन के साथ जो व्यापार कर रहे थे वो जैसे के जैसे कर रहे थे, एज इट इज़ वैसे ही इसको रहने दिया। फिर इसमें क्या किया गया कि कंपनी जो शासित क्षेत्र थे उन पर ब्रिटेन के जो राजा, उनकी प्रभुता को प्रकट किया। इस अधिनियम में भारत में जो कंपनी शासित क्षेत्र थे उन पे ब्रिटेन के जो राजा थे उनकी प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया। ईसाई जो मशीनरियां थी उनको भारत आकर लोगों को क्या करना था, प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ईसाई मशीनरियों को, जो ईसाई लोग थे, अब वो क्या कर रहे थे, भारत में आकर भारत के लोगों को अपने धर्म से जुड़ाने की या जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में क्या किया, वंशीदों के बीच जो पश्चिमी शिक्षा थी उसका प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था है यहाँ से की गई थी। भारत के जो ब्रिटिश इलाके थे, जो ब्रिटिश के अधीन जो क्षेत्र आते थे, वहाँ पे क्या किया गया, वंशीदों के बीच में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया गया। और भारत की जो स्थानीय सरकारें थीं उनमें क्या किया गया, व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत या जो अधिकार है वो दिया गया, और जो कर नहीं देगा उन्हें क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या होता है कि ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण की दिशा में अधिनियम बनाया गया। ये इसमें क्या है, वो क्या कर सकते हैं, निर्णायक जो है कदम किस लिए उठाया गया था, क्योंकि उन्हें ये लगा कि यहाँ से जो है लोगों की, जो भारतीय नागरिक थे, जो नागरिक हैं, उनकी सैन्य शक्तियों को क्या किया गया था, इसमें बना दिया गया था, किसमें, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बंगाल के जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल, और ये क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें क्या किया गया, उसे ये अधिकार दिया गया कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सैन्य शक्तियां हैं, वो इसी के अधीन आएगी। तो एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसमें क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश के कब्जे जो थे, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कब्जा था जिस इलाके में, वहाँ क्या किया, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण अब उनका होना चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, चार्टर एक्ट स्टार्ट किया था। और इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया, 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें सिविल जो सेवाएँ थी उनमें क्या है कि ये प्रतियोगिता जो है वो खोली गई, जिसमें भारतीय भी क्या कर सकते थे, अपना भाग ले सकते थे किसी भी पद के लिए, कार्यालय में और रोजगार के लिए। तो फिर क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की उन्होंने क्या की गई, एक बैठक बिठाई, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो ये उन्होंने अधिनियम स्टार्ट किया, जो चार्टर एक्ट में सिविल सेवाओं के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता स्टार्ट की, उन्होंने उसका विरोध किया और इसको क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। तो यहाँ से क्या होता है, 1833 के जो चार्टर अधिनियम है इसमें क्या होता है कि इस पहले जो कानून बनाए गए थे उन्हें नियामक कानून बोला जाता था, पर जो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में जो बनाए गए उन्हें कानून या एक्ट बोला जाने लगा। अब जैसे 1853 का चार्टर अधिनियम है तो इसे क्या बोला जाता है, एक एक्ट भी बोला जा सकता है और ये एक कानून भी है। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जितने भी अधिनियम
जो चार्टर अधिनियम थे ये क्या था, एक अंतिम अधिनियम है 1853 का। तो इसमें क्या हुआ, संवैधानिक विकास की दृष्टि से इसे बनाया गया था। तो क्यों बनाया गया था, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये बनाने के बाद में हम क्या है पूर्ण रूप से भारत में अपने कार्य को कर सकते हैं। तो पहले ही बार जो है गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या है, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि दो सदन बना दिए गए, द्वैध शासन प्रणाली हो गई, तो ऐसा ही इसमें किया गया। इसमें क्या है, फिर परिषद जो बनाए गए थे, परिषद में जो भी सदस्य होते हैं उन्हें प्राषद बोला जाता है। और इसमें क्या किया गया, प्राषद को जो जोड़े गए किसमें, विधायी जो है और प्रशासनिक कार्यों के लिए इनको अलग किया गया। तो इसमें परिषद में जो भी प्राषद जोड़े गए उन्हें क्या कहा गया, विधायी प्राषद कहा गया। गवर्नर जनरल ने नई विधान परिषद का एक गठन किया, क्योंकि विधानसभा के लिए हम क्या करते हैं, विधान प्राषद होते हैं, विधायी होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया गया, गवर्नर जनरल के द्वारा एक विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे क्या बोला जाता है, भारतीय विधान परिषद भी बोला जाता है और केंद्रीय विधान परिषद भी बोला जाता है। परिषद ये जो बना, ये क्या थी, एक संसद की छोटी सी इकाई माना जाता है। ये क्या है, परिषद इस शाखा की सबसे, संसद की छोटी इकाई की तरह कार्य कर रहा है, छोटी संसद की तरह कार्य कर रहा है। और ऐसा कहाँ से अपनाया गया, ये कहाँ, ये प्रोसेस सेम कहाँ होती है, ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती है। फिर हमारा क्या था, विधायिका जो पहली बार, जो विधायिका यहाँ से चुनी गई उसको क्या है, विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, क्योंकि पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। और किस लिए जाना गया, मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत के लिए। 1854 की जो सिविल सेवाएं थी, पहले जो क्या था 1833 में जो आइडिया रखा गया था सिविल सेवाओं के लिए, तो वहां से क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको बंद करवा दिया था, उसका क्या है प्रावधान जो था उसका विरोध किया गया था, तो वहां से उसको बंद कर दिया गया था। पर 1854 में फिर क्या हुआ, दोबारा से सिविल सेवाओं की भर्ती के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता रखी गई। अब इसमें क्या था कि भारत जो है सिविल सेवाओं के संबंध में एक समिति भी बनाई गई, जिसको मेकाले समिति, मेकाले समिति जो है वो बनाएगी, मतलब इसको जो नियुक्त किया गया जिस समिति को उसको मेकाले समिति कहा गया। अब इसमें क्या है, भारतीय लोग भी क्या है हिस्सा ले सकते थे, इसमें अपना रोजगार कर सकते थे, किसी भी कार्यालय में वर्क कर सकते थे। तो ये इसमें आ गया, सिविल सेवाओं में आ गया। भारत के जो केंद्रीय विधान परिषद था और जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं कि गवर्नर जो जनरल है उनके परिषद में 6 सदस्य रखे गए थे, 6 में से 4 सदस्यों का चुनाव कहाँ होता था, जो स्थानीय जो प्रांतीय सरकारें होती थी उनके द्वारा किया जाता था। और कौन सी 4 जो सदस्य है वो चुने गए, एक तो बंगाल से लिया गया, मद्रास से लिया गया, बम्बई से और आगरा से लिया गया, ये वहाँ की स्थानीय प्रांतीय जो सरकारें हैं उनसे लिए गए थे 4 सदस्य। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ताज का शासन। पहले हमने जिक्र किया था कंपनी के शासन का, अब हमारा आया है ताज का शासन। कंपनी का शासन हमारा कब से कब तक चला, 1773 से लेके 1858 ईस्वी तक। अब हमारा ताज का जो शासन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1858 से लेके 1947 ईस्वी तक। और जो भारत का है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, कानून का निर्माण क्यों किया गया, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ और उसे क्या बोला गया था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी है। 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ उसके बाद में इसे क्या कहा गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह। इस अधिनियम में क्या है, शासन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस अधिनियम को प्रसिद्ध कर दिया कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, शासन को अच्छा बनाने के लिए आए हैं। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अपना जो अधिकार यहाँ से उसका समाप्त कर दिया जाता है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त होने के बाद में क्या होगा? डायरेक्ट ब्रिटिश की जो महारानी है उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकार शुरू हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया गया, गवर्नर जो क्षेत्रों और राजसभा संबंधी शक्तियां जो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो भारत का जो शासन है अब कहाँ चला गया, सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। और जो गवर्नर जनरल थे उनके पद को क्या बोला जाने लगा, अब वायसराय। जो भारत का वायसराय है उसमें बदल दिया गया, क्योंकि पहले क्या थे भारत में, गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर थे फिर उनको क्या है, गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, अब उन्हें क्या बोला जाने लगा, भारत का वायसराय। और जो वायसराय होते थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश जो है ताज, ब्रिटिश की मतलब जो है सम्राट होते थे उसका प्रतिनिधित्व जो है वो उनके द्वारा किया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो क्या थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। फिर भारत की जो दूध प्रणाली जो समाप्त होती है वो कहाँ से समाप्त होती है, हमारे 1858 की भारत की शासन की जो प्रक्रिया है यहाँ से स्टार्ट हुई। इसे नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट भी कहा गया। यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, द्वैध शासन प्रणाली है, सॉरी द्वैध शासन प्रणाली क्या है, हमारी नियंत्रण बोर्ड है और एक निर्देशक कोर्ट था। अब वो क्या की गई, समाप्त कर दी गई। अब कोई भी जो पद है उसका निर्णय कौन करता था, भारत के राज्य सचिव का यहाँ से निर्माण भी हो जाता है। पहले हमारे क्या थे, प्रांतीय जो प्रेजिडेंसियां थी, अब यहाँ से उन प्रेजिडेंसियों को हटा के यहाँ पे क्या बन गया, हमारा जो भारत का है वो राज्य सचिव बन गया। और जो सचिव होते थे वो कौन होते थे, ब्रिटिश कैबिनेट का जो सदस्य होता था वही क्या होता था, हमारा सचिव होता था। और ब्रिटिश सांसद के प्रति उसका क्या होता था, उत्तरदायित्व होता था। सचिव क्या करता था, अपना भारतीय जो प्रशासन है उस पर संपूर्ण जो है जो नियंत्रण है उनकी शक्तियां इसको दी गई थी सचिव को। सचिव की सहायता के लिए क्या किया गया, 15 लोगों को रखा गया। और 15 लोगों को जो रखा गया उसका क्या बोला गया, यहाँ पे परिषद का एक गठन हुआ जिसे सलाहकार परिषद भी कहते हैं। 15 लोगों को जो रखा गया उस परिषद को क्या कहा गया, सलाहकार परिषद कहा गया। और इस परिषद की जो अध्यक्षता जो करता था वो कौन करता था, सचिव ही करता था। 1858 का जो कानून था इसका मेन जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य यही था कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें सुधार किया जाए, जो प्रशासन का जो काम चल रहा था उसमें थोड़ा सुधार हो, जिसके माध्यम से क्या है, इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सके। अब 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आ जाता है, 1861 का भारत का परिषद अधिनियम। ये क्या थी, 1857 की महान जो क्रांति थी उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने शासन चलाने के लिए, उन्हें पता लगा कि ऐसा हमारे यहाँ पे शासन चलने नहीं वाला, अब हमें क्या है, भारतीयों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ भारतीयों के सहयोग के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो ये क्या है, इसे क्या बोला गया, सहयोग नीति भी बोला गया। इस परिषद को क्या है, सहयोग नीति भी बोला गया। ब्रिटिश संसद ने इसके अलावा क्या किए, 3 अधिनियम पारित किए, 1861, 1892 और 1909। ये 3 क्या है, नए अधिनियम पारित कर दिए थे। तो 1861 के अधिनियम में क्या किया गया, भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक जो इतिहास है उसके लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है ये। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। पहले भारत के कोई भी लोग होते थे उन्हें कोई अधिकार नहीं होता था किसी भी परिषद में शामिल हो सके या कहीं भी अपने पूर्ण रूप से उसमें शामिल होकर अपने निर्णयों के बारे में बता सके। बट यहाँ से क्या था, भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। तो वायसराय क्या करता था, कुछ गैर सरकारी सदस्य, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन के अधिकार में जो आए, ठीक है, परिषद के जो वायसराय थे, जो सचिव थे वो उन्हीं के थे, बट उन्हें क्या बोला गया, सरकारी,
वो क्या थे, सरकारी सदस्य। बट जो वायसराय के द्वारा जो यहाँ पे चुने गए उन्हें क्या बोला गया, गैर सरकारी सदस्य, उनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया। 1862 में क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों कौन से थे, एक तो बनारस के राजा थे, दूसरे पटियाला के महाराजा और तीसरे सर दिनकर राव, इनको क्या किया गया, विधान परिषद में मनोनीत किया गया। मतलब अब उनको क्या है, जैसे हमारे राज्यसभा में मनोनीत करते हैं पर्संस को, वैसे ही इन्होंने क्या किया गया, वायसराय ने क्या किया गया, यहाँ पे हमारे जो तीन मेंबर थे भारतीय थे उनको क्या किया, मनोनीत किया। किसमें किया, विधान परिषद में। तो मद्रास और बम्बई की जो प्रेजिडेंसियाँ थी उनकी जो विधायी शक्तियाँ थी उन्हें क्या किया गया, पुण्य देके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब दोबारा से उन्हें वो शक्तियाँ प्राप्त हो गई। विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को क्या है, संपूर्ण रूप से आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। अब क्या है, यहाँ पे प्रांतों को अपने जो है अंदर के जो भी काम होते थे वो उन्हें खुद देखने पड़ते थे। बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमश 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। कहाँ कहाँ हुआ, बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में। कब कब हुआ, बंगाल में 1862 में हुआ, उत्तर पश्चिम में 1866 में हुआ और पंजाब में 1897 में हुआ। फिर है नेक्स्ट हमारा, वायसराय को परिषद में कार्य के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। अब वायसराय क्या है, परिषद के कार्यों में अपने नियम बना सकता था और आदेश भी दे सकता था। फिर है लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग हमारे क्या थे, वायसराय थे। उन्होंने क्या किया, 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली जो प्रारंभ की थी उसको क्या है, मान्यता दी गई। किसमें दी गई थी, 1859 में पोर्टफोलियो जो प्रणाली जो ने बनाई थी अब उसे क्या है, यहाँ पे मान्यता प्राप्त हो गई। तो वायसराय के जो परिषद के एक सदस्य होता था वो क्या है, एक से अधिक सरकारी विभागों में भी क्या है, कार्य कर सकता था। इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार उन्हें अच्छे से मिल गया। वायसराय को फिर क्या किया गया, आपातकालीन स्थिति में काउंसिल की सलाह के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। अब आपातकालीन जो सिचुएशन आती थी उसके लिए क्या किया गया, वायसराय जो है अपनी सलाह दे सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश जारी करने की अवधि कितने तक होती थी, 6 माह तक वो क्या है, अध्यादेश रह सकता था जारी किया हुआ। फिर 1892 का हमारा जो है भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या होता है, केंद्र और प्रांतीय जो विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य थे उनके सदस्यों को बढ़ा दिया गया। पहले कितने थे, सिर्फ 3 चुने गए थे और अब कितने हो गए, अपने सहूलियत के हिसाब से वो चुन रहे थे। और जो बहुमत होता था, पर उनका जो बहुमत होता था वो हमेशा किसका होता था, सरकारी सदस्यों का होता था। इनका बहुमत नहीं ले सकते थे, इनकी संख्या तो बढ़ा दी गई पर इनका जो बहुमत था वो कौन दे सकता था, सिर्फ सरकारी सदस्य ही दे सकते थे। जो विधान परिषदों में फिर क्या हुआ, उन्हें बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका में प्रश्नों के उत्तर देने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। विधान परिषदों में जो कार्य में वृद्धि की तो उन्हें क्या किया गया, बजट पर बहस भी कर सकते थे और क्या, कार्यपालिका में जो भी प्रश्न होते थे उनके उत्तर देने का भी अधिकार यहीं से प्राप्त हुआ। फिर बंगाल में केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी जो सदस्य थे उनका नामकरण के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। अब इनका जो नामकरण है वो कौन करता था, वायसराय करता था, क्योंकि ये क्या है, उनकी शक्तियों में प्रावधान दिया हुआ था कि इन्हें जो चुनेगा वो कौन चुन सकता है, वायसराय चुन सकता है। फिर प्रांतीय विधान परिषदों में क्या किया गया, गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ और जमींदारों, फिर है प्लेमर ऑफ कॉमर्स में जो सिफारिश में रखे जाते थे गैर सरकारी सदस्य
उनकी नियुक्ति करने की भी क्या है, इनको शक्ति प्रदान की गई। किससे प्रदान की गई थी? हमारे यहाँ पे प्रांतीय विधान परिषदों में जो गवर्नर थे उन्हें प्रदान की गई थी। और इन सदस्यों की जो है सीमित और प्रोक्ष रूप से विमुक्ता को सीमित और प्रोक्ष रूप से नामकरण की जो है निश्चित और निकायों से की गई थी। यहाँ पे वो क्या है, अपने सीमित रूप से और उनको प्रोक्ष रूप से क्या कर सकते थे, इन सदस्यों को मान्यताएं दी गई थी। ये निश्चित काल के लिए इन्हें रखा गया था। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम को क्या बोला जाता है, मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया, मोर्ले मिंटो कैसे नाम पड़ा, जो लॉर्ड मोर्ले है वो क्या है, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और जो लॉर्ड मिंटो है वो क्या है, भारत में वायसराय है। तो इन दोनों के नाम से क्या किया गया, इसको मोर्ले मिंटो सुधार नाम दिया गया। तो ये किसमें दिया गया था, हमारा 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके अंदर। फिर इसमें क्या किया गया, केंद्र और प्रांत या जो विधान परिषद थे उनके आकार को बढ़ा दिया गया। तो उसमें पहले जो संख्या होती थी परिषद में 16 से कम थी, अब क्या है 16 से उनकी 60 हो गई। और जबकि प्रांतीय विधान जो परिषद में इनकी संख्या क्या है, इनके समान नहीं थी। तो उसके बाद में क्या, सरकारी जो बहुमत होता था उनको बनाए रखने के लिए क्या किया गया, प्रांतीय परिषदों में जो गैर सरकारी जो सदस्य थे उनके बहुमत की भी अनुमति मिल गई। पहले बहुमत सिर्फ कौन दे सकता था, जो सरकारी सदस्य होते थे। अब क्या है, जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो भी क्या है, अपना बहुमत दे सकते हैं। फिर दोनों जो सत्र हैं हमारे विधान परिषदों के, कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया, दोनों सत्रों में बढ़ा दिया गया। किसमें, एक तो प्रांतीय विधान परिषदों में भी और केंद्रीय विधान परिषदों में भी, दोनों में क्या किया गया, दोनों सत्रों में क्या किया गया, इन कार्यों का जो है दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें क्या किया था, अनुपूरक जो है प्रश्न पूछा जाने लगा और बजट का संकल्प भी रखा गया। भारत के जो है वायसराय और गवर्नर कि जो कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने की एक प्रावधान यानी कि एक आइडिया जो रखा गया, ठीक है, वो इसी अधिनियम में रखा गया था। फिर है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये क्या थे, वायसराय के कार्यपालिका में परिषद के प्रमुख भारतीय सदस्य थे। जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, ठीक है, उसमें क्या थे, ये प्रमुख भारतीय सदस्य थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उन्हें विधि सदस्य बताया गया था। उन्हें क्या बताया गया था, विधि सदस्य बताया गया था। और ये क्या थे, प्रमुख सदस्य थे, भारतीय सदस्य बने और इन्हें विधि सदस्य बताया गया। फिर है लॉर्ड मिंटो, जो उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक के रूप में भी जाने गए। किसे, कौन जाना गया, निर्वाचन का जो जनक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक है, किसे जाना गया, लॉर्ड मिंटो को। निर्वाचन के आधार पे क्या होता था, मुस्लिम जो संप्रदाय थे उनका प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान किसे दिया गया, मुस्लिम जो सदस्य थे उन्हें दिया गया, और मुस्लिम जो मतदाता थे वो ही इनका क्या कर सकते थे, चुनाव देकर इनका मतदान कर सकते थे इनको, और क्या, चुन सकते थे यहाँ से। फिर प्रेसिडेंसी जो कॉरपोरेशन है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने क्या किया, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग क्या कर दिए गए, प्रावधान, प्रतिनिधित्व का अलग अलग प्रावधान यहाँ से किया गया। फिर नेक्स्ट हमारा रहता है भारत शासन अधिनियम 1919 में और क्या हुआ था हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। बट इससे ये क्या है, जो शासन प्रणाली जो आनी थी हमारी 1919 में, बट इसकी पहली बार घोषणा कब हुई थी हमारी, 20 अगस्त 1917 को। किसने की थी, ब्रिटिश सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को जो है उत्तरदायी सरकार की एक स्थापना करनी थी, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की
स्थापना करनी थी। और इसमें का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, भारत में शासन अधिनियम बनाना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में शासन अधिनियम बनाना था, जो कब लागू किया गया, 1921 को लागू किया गया। घोषणा कब की गई, 20 अगस्त 1917 को की गई। फिर इसको बनाया कब गया, 1919 को। फिर इसको लागू कब किया गया, 1921 को। इस कानून को क्या बोला गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। अब इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा गया, मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे, और जबकि चेम्सफोर्ड क्या थे, हमारे भारत के वायसराय थे। तो इसको किस नाम से जाना गया था, हमारे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। फिर केंद्र और जो भी प्रांत होते थे उसमें क्या किया गया, इनकी पहचान करने के लिए जो सूची थी, दोनों में जो विषयों की सूची थी उनको क्या किया गया, राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। अब क्या था, पहले केंद्र का जो है नियंत्रण कहाँ रहता था, राजाओं पे, जो राज्य होते थे उन पे रहता था। अब राजाओं की जो शासन प्रणाली जो चल रही थी उन पे क्या हुआ, अब जो केंद्र का अधिकार है वो कम हो गया। तो इन्हें अपनी सूची में विषयों पर क्या बनाना था, विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे क्या है, सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक भी बना रहा। सरकार का जो ढांचा है वो क्या बना रहा, केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। फिर प्रांतीय विषयों को क्या किया गया, दोबारा से दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित में क्या होता है, हस्तांतरित का अर्थ क्या होता है, जिसे हम इधर उधर दे सकते हैं। हस्तांतरित विषयों पे गवर्नर का शासन होता था, और इसमें क्या है, मंत्रियों की जो सहायता कौन लेता था, गवर्नर लेता था। और मंत्री कहाँ से मिलते थे इन्हें, जो हमारी विधान परिषद थी ना वहां से इनको क्या मिलते थे, मंत्री मिलते थे, जो किसके प्रति उत्तरदायित्व थे, गवर्नर के शासन के प्रति उत्तरदायी होते थे। और आरक्षित विषयों को क्या किया गया, गवर्नर की जो कार्यपालिका परिषद है उसकी सहायता से शासन करना होता था, और विधान परिषद के प्रति वो क्या थे, उत्तरदायी नहीं थे। यहाँ पे क्या था, वो जो विधान परिषद है उसके प्रति क्या है, उत्तरदायित्व थे, और अब यहाँ पे उनको उत्तरदायित्व कोई नहीं था। वो क्या कर सकते थे, अपनी जो दोहरी है व्यवस्था को, ठीक है, यहाँ पे उन्हें अर्ध शासन व्यवस्था कहा गया। और द्वैध जो है शब्द, यहाँ पे इसको दोहरी व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। और द्वैध शब्द कहाँ से आया, द्वैध शब्द आया हमारा यूनानी शब्द के डाई ऑफ से। तो यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही थी, क्योंकि इसमें क्या है, द्वैध शासन में क्या किया गया कि कुछ जो कार्य थे वो विधानसभा के हाथों में, विधान परिषद के हाथों में, मंत्रियों की सहायता से गवर्नर के अंदर चले गए थे, और कुछ क्या थे, जो विधान परिषद थे, जो गवर्नर कार्यपालिका थी, वो क्या है, अपने हिसाब से कर रही थी। तो फिर पहले द्विसदनीय जो व्यवस्था थी उसको, यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन कहाँ से हुआ, हमारा 1919 के भारतीय विधान परिषद से हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम से हुआ। कहाँ से हुआ, द्विसदनीय जो शासन व्यवस्था है यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इसका गठन कहाँ से हुआ, 1919 के इस अधिनियम से हुआ। इसमें पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। सदनों में बहुसंख्यकों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाने लगा। लेकिन वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें क्या है, सदस्यों को, जो 3 सदस्य भारत के वो थे, जरूरी होने चाहिए थे, वह सदस्य जो क्या है, पूर्ण रूप से भारत के होने चाहिए, लेकिन उनमें क्या है, कमांडर इन चीफ नहीं आना चाहिए, कमांडर इन चीफ नहीं होना चाहिए, उसको वो सदस्य नहीं माना गया था। वायसराय की कार्य परिषद में क्या है, भारत के 3 वो सदस्य थे जो क्या है, कमांडर इन चीफ उसमें इंक्लूड ना हो, उनसे अलग हो। तो सांप्रदायिक के आधार पर उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक क्या है हमारा,
जो हमारे धर्म से जुड़ा था, उसमें सिखों का, भारतीय ईसाइयों का और आंतरिक रूप से भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, संपत्ति कर और शिक्षा का जो आधार है उसमें क्या है, सीमित जो संख्या में जो लोग हैं वो मताधिकार कर सकते थे, जो क्या है संपत्ति कर और शिक्षित हों, जिनके पास संपत्ति अच्छी हो, जो कर भी दे रहे हों पूर्ण रूप से और जो शिक्षित भी हों। पर लंदन में क्या है, एक उच्चायुक्त जो है करालय उसका निर्माण किया गया। ये कहाँ किया गया उच्चायुक्त करालय का निर्माण, लंदन में, और ये क्या है भारत के उच्च करालय का यहाँ से निर्माण हुआ। और यहाँ पे क्या है, भारत का जो सचिव है उसको दोबारा क्या है वो कार्य दिए गए और उस कार्यों को वो क्या करेगा, उच्चायुक्त को सौंपेगा। फिर पहले हमने पढ़ी थी जो सिविल सेवाएं 1833 में जो कैंसिल कर दी गई थी, फिर 1854 में, और अब क्या है 1926 में जो सिविल जो सेवक थे उनकी भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब सिविल जो सर्विस जो करने के लिए जो भर्तियां चालू की गई वो किसके अंडर में की गई, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अंदर। ये क्या है गठन बनाया गया, गठन का नाम क्या है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और पहली बार क्या किया गया, केंद्रीय जो है वो बजट के राज्यों से अलग कर दिया गया और विधान जो सभाओं को अपना बजट समय बनाने का अधिकार दिया गया। पहली बार क्या है कि केंद्र से क्या है बजट को अलग किया गया, जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो अपना बजट अपने आप बनाए। ठीक है, पहले क्या होता था कि सारा जो कार्य है वो कौन देखता था, केंद्र देखता था, और अब क्या है इन्हें अपना कार्य खुद देखना पड़ता था। पर इस गठन को जो वैधानिक आयोग का गठन किया गया इसमें क्या है 10 वर्ष तक जांच करके अपनी रिपोर्ट देनी होती थी। जो वैधानिक एक आयोग है उसका गठन किया गया, किस लिए किया गया कि जिसमें जो भी कार्य हो रहे हैं इसके अंडर में जो भी कार्य हो रहे हैं 10 वर्षों तक उन्हें क्या करना था, पूरा का पूरा उसके बारे में जानकारी निकालनी थी। जानकारी निकालने के बाद में वो रिपोर्ट क्या करनी थी अपनी, इनको सौंपनी थी। किनको सौंपनी थी, केंद्रीय बजट वालों को, क्योंकि ये सारा काम तो ये देख रहे थे राज्य विधानसभाएं, पर इनका जो क्या है जितना भी कार्य जो जैसा चल रहा था पर इनकी रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करना था, केंद्रीय बजट के अंदर इन्हें प्रस्तुत करना था। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।